मुंबई के वार्ड नंबर 154 चेंबूर कैंप के एक ऐसे कर्मठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में काफी सालों से जुड़े हुए हैं, वो अपने इस करियर में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस वार्ड नंबर 154 में काफी काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कर्मठ नेता वल्लभ जी जवेरी, आइए हम उनसे बात करते हैं कितने साल से पार्टी में जुड़े हुए हैं और पार्टी में जुड़ के क्या क्या काम उन्होंने किया है। सर, सी एन यू चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं? मैं लगभग भारतीय जनता पार्टी से 58 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 58 ईयर्स से जुड़ा हुआ। 58 ईयर्स से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके तजुर्बा भी काफी ज्यादा है। आपने भारतीय जनता पार्टी में काफी उतार और चढ़ाव भी देखे होंगे, और अगर देखा जाए इस वक्त इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोफाइल है वो काफी हाई प्रोफाइल है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को पहले भी इस क्षेत्र में और जहाँ मैं पहले रहता था सब क्षेत्रों में मैंने मेरा सेवा का कार्य किया हुआ है और मुझे 2-3 बार टिकट भी ऑफर हुई थी, परंतु उस समय मैंने ये चीज पार्टी को मैंने बोला था, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं काम नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी दुकान है, दुकान होने की वजह से मैं इधर इतना समय नहीं दे सकता था, इसलिए पार्टी को मैंने बोला कि अभी नहीं, जब मेरे को समय होगा तब मैं आपको बोलूँगा। तो मेरे को ये ऑफर हुई थी सीटें, पर उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। पर अभी मैं जब से चेंबूर में रह रहा हूँ, लगभग 35 वर्षों से चेंबूर में रह रहा हूँ और सेवा का कार्य कर रहा हूँ, और काफ़ी यहाँ की जनता मुझे जानती है, और सिंधी कम्युनिटी नहीं परंतु अन्य लोग, उत्तर भारतीय, गुजराती समाज, महाराष्ट्र समाज, सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं इस क्षेत्र में। अगर बात की जाए आपकी, जो आप कौन कौन से संस्था से जुड़े हुए हैं, के पास ऐसे कौन कौन से, जैसे आपने कहा सिंधी समाज है, इस तरह के कितने संस्था है, कितने समाज है जिससे आप जुड़े हुए हैं और आप उसमें अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या क्या पोस्ट पे हैं? नहीं, मैं पहले आपको बताऊंगा कि भारतीय सिंधु सभा, उससे मैं लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। 35 वर्षों से जुड़ने के साथ में जब चेंबूर में चेटीचंड का मेला हुआ, जब से 86-87 में हुआ, तब से मैं भारतीय सिंधु सभा का, चेटीचंड का मेला जो लगता है उसमें सक्रिय भाग लेता हूँ, और आज 10 वर्षों से चेटीचंड का मेला बम्बई में पहले नंबर पे आता है जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसका पूरा जिम्मेदारी जो है सिंधी समाज ने मेरे ऊपर छोड़ी हुई है, पर मेरी टीम के साथ मैं बहुत अच्छा मेला यहाँ ऑर्गेनाइज करता हूँ। उसके सिवा मैं चेंबूर बाल कला मंच से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 35 वर्षों से, उसका भी कार्य मैं इस क्षेत्र में करता हूँ, कभी सम्मेलन करता हूँ और अन्य एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम भी करता हूँ, और पब्लिक के जो सुख दुख हैं उसमें मैं सहभागी रहता हूँ हमेशा। ये बात तो सच्ची है कि आपने इस चेंबूर में काफी काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के बैनर से आपने कौन कौन से प्रोग्राम किए हैं, कौन कौन से सभा किए हैं? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अभी रिसेंटली स्वच्छता अभियान, मेंबरशिप अभियान, और रोड में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, उसके लिए मैंने काफ़ी इधर सक्रिय रूप से ध्यान दिया, परंतु मैं थोड़ा असफल रहा क्योंकि इतनी रास्ते इतने खराब थे जिसको सुधारने के लिए इतना समय देना पड़ता था, परंतु फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है, जहाँ खड्डे थे वहाँ कॉन्ट्रेक्टर को बुला के या नगर सेविका को बोल के, नगर सेवक को बोल के वहाँ खड्डे भरवाए, यहाँ की वो मैंने कार्य किया है मेन इधर। अगर देखा जाए तो इस बार वार्ड नंबर 154 ओपन वार्ड आया हुआ है और आप भी ओपन कैटेगरी में गिने जाते हैं। अगर देखा जाए तो पार्टी अगर आपको इस वार्ड से टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद इस वार्ड में ऐसे कौन से बड़े काम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बड़े में बड़ी समस्या जो MS बिल्डिंग है, जहाँ देश आज़ाद हुआ तभी से जो लोग यहाँ रह रहे हैं अभी तक बेचारे इतने पीड़ित हैं, ये तो सरकार ने सिंधी लोगों को वहाँ जगह दी, परंतु इतनी स्थिति आज की तारीख में खराब है कि अपन न रिपेयर कर सकते हैं न वहाँ कुछ कार्य कर सकते हैं। अभी सरकार ने कुछ
अभी कुछ पॉलिसी में कुछ फेर बदल किया है शायद अभी वो रिपेन, पर मेरा पहला पहला ये रहेगा कि जो लोग सिंधी समाज वहाँ रह रहा है उसको अच्छी सुविधा वहाँ प्राप्त हो और अच्छे मकान ये तोड़ के और अच्छे मकान बनाए जाएं और उसमें लोग सुख से रह सकें, ये मेरी पहली समस्या रहेगी। उसके बाद पानी, पानी की समस्या बहुत है चेंबूर में, कॉलोनियों में तो अच्छी है परंतु MS बिल्डिंग और आप दूसरे इलाकों में देखोगे तो पानी के लिए त्राही मची हुई है। तो ये भी मेरे मन में है कि अगर भगवान ने चाहा और अगर मैं नगर सेवक बना तो मेरे पानी के लिए और ये बिल्डिंगों के लिए, उसके सिवा ड्रेनेज, ड्रेनेज आप देखोगे जगह जगह पे पानी निकल रहा है, लोग नाक बंद करके उधर से निकलते हैं। मेरे को इतनी पीड़ा होती है कि आज इतना युग आगे बढ़ गया है पर अपन अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य नहीं कर सके। पर मेरी मन की ऐसी इच्छा है कि मैं ये कुछ जो कठिनाई है उसको दूर करने का प्रयास करूं। उसके सिवा ट्रैफिक भी आपने देखा, कैंप में चले जाइए कितने एक्सीडेंट होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो भी मेरे इच्छा है कि मैं कैसे भी अगर मैं चुन के आ गया तो मैं उन समस्याओं को कैसे भी दूर करने का प्रयास करूंगा। ये बात तो सच है कि वल्लभ जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इनको कैंडिडेट बनाती है और इन्हें टिकट देती है, महानगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद चेंबूर कैंप का विकास करने में लग जाएंगे और चेंबूर कैंप का विकास करने के बाद वहाँ की जो समस्याओं की, जो वहाँ की जो जनता की जो समस्या है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। जवेरी साहब को सिंधी समाज से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, खुद वो एक सिंधी जाति से हैं, लेकिन अगर सिंधी समाज के लोग अगर जवेरी साहब की मदद करते हैं या नॉन जात के लोग भी जवेरी साहब की मदद करते हैं तो इस बार चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि सिंधी समाज जो है उनके साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? सिंधी समाज जो है ये काफी वर्षों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैंने इच्छा व्यक्त की थी, यानी मेरे को कितनी सिंधी समाज के लोगों ने बोला वल्लभ भाई इस बार आप कैसे भी चुनाव में खड़े रहो, पर चुनाव में खड़े रहो, मैंने नाम दिया हुआ है पार्टी को, पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव में खड़ा रहूंगा। तो सिंधी समाज मेरे साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि अगर मेरे को टिकट मिली तो पूरा सिंधी समाज मेरे साथ में खड़ा है। उसके सिवा खाली सिंधी समाज नहीं पर महाराष्ट्र समाज, गुजराती समाज, कच्छी समाज, जो जो और उत्तर भारतीय समाज, सब में मेरी साथ है और सब लोगों ने मुझे कहा है कि वल्लभ भाई अगर आपको इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो हम पूरी लगन के साथ आपके साथ में लगे रहेंगे। ये पूरे विश्वास मेरे को हो गया है कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं चाहूंगा कि सिंधी समाज की अच्छी डिमांड, क्योंकि 20-22 वर्षों से जब से हसू जी गए हैं तब के उसके बाद एक भी सिंधी समाज को टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला है। मैं आशा रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे सोचेगी और हमारे सिंधी समाज को मैं जो वल्लभ जहेरी अभी जो मैं डिमांड कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप कृपया इस पे जरा गौर से सोचें और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो इतने वर्षों से काम करते आए हैं उसको जरा टिकट देने का कष्ट करेंगे तो मैं पूरे समाज को साथ में लेके और इस क्षेत्र को एक उज्जवल और स्वच्छ प्रशासन देने का प्रयास करूंगा। ये बात तो सच है कि वल्लभ जी का कहना है कि सभी समाज और सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। आइए हम वल्लभ जवेर जी से जानते हैं और क्या क्या चेंबूर के में विकास करना चाहेंगे, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो पहले आपको पूरी चीज बता चुका हूँ कि मेरे मन में जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता चुका हूँ, पर ये देखो आदरणीय श्री हसू जी की कर्ण भूमि है ये और उनके रास्ते पे हम चलने वाले लोग हैं। आजकल मोदी जी की जो इच्छा है भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए उस पर हम पूरा गौर से ध्यान दे रहे हैं और आज भगवान की कृपा से मेरी इतनी कैपेसिटी है और लोगों से भी अगर पूछोगे तो मेरी काम करने की कैपेसिटी प्रभु कृपा से इतनी है कि अगर बीजेपी ने मुझे सीट दी तो मैं इसमें पूरा सफलतापूर्वक सफल रहूंगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जनता से भी निवेदन करता हूं कि अगर मुझे टिकट दी गई तो आपका सहयोग से मैं बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में करके आपको दिखा दूंगा।
वल्लभ जवेरी जी का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें कैंडिडेट के रूप में चुनती है, इन्हें टिकट देती है, तो आने वाले दिनों में जीतने के बाद इस वार्ड नंबर 154 में काफी विकास भरा काम करेंगे। कैमरा में मिथिलेश के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज, मुंबई।